नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पावर ऑन व्हील पर। अगर पहली बार चैनल पर हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं डायरेक्ट तौर पर, कोई सवाल करना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टाग्राम पर मेरा हैंडल है amit.dwivedi। दोस्तों, मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं ऑल न्यू रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 के प्रॉज एंड कॉन्स के बारे में। मतलब क्या चीज़ें आपको पसंद आएंगी, क्या चीज़ें पसंद नहीं आएंगी। तो सबसे पहले क्या चीज पसंद आएगी वो बता देता हूं। तो पहली बात जो आपको अच्छी लगेगी, इसमें फीचर्स जो दिए गए हैं वो अच्छा लगेगा। इसका टर्न बाय टर्न इंडिकेटर आपको बहुत मजेदार लगेगा। और ये कैसे काम करेगा, रॉयल एनफील्ड के ऐप को डाउनलोड करिएगा और उसे लगा दीजिएगा। जब आप मोटरसाइकिल चला रहे होंगे तो आपको बताती रहेगी लेफ्ट ले लीजिए, राइट ले लीजिए। ये चीज इसकी बहुत अच्छी लगने वाली है। दूसरी चीज जो आपको अच्छी लगेगी इसमें वो है इसका इंजन, जो कि DOHC हो गया है और लगभग 350 cc का है। तो इसका जो रिफाइनमेंट है वो आपको समझ में आएगा। और इसका जो गियर बॉक्स है वो बहुत अच्छे से, जब आप इसे शिफ्ट कर रहे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि रॉयल एनफील्ड के बाद सबसे अच्छी मोटरसाइकिल आ गई है। तो ये दूसरी चीज आपको बहुत अच्छी लगने वाली है। तीसरी बात, जब आप 80 से 100 के बीच में क्रूज कर रहे होंगे तो आपको ये मोटरसाइकिल कहीं से भी थकाने वाली नहीं लगेगी। एक परफेक्ट क्रूजिंग बाइक के तौर पर आपको अपनी तरफ आकर्षित करी रहेगी। एक तीसरी चीज है जो आपको बहुत अच्छी लगने वाली है। चौथी बात करें तो आपको सीटिंग कंफर्ट राइडर का बहुत अच्छा लगने वाला है, क्योंकि राइडिंग पोस्चर बहुत अच्छा है और ये आपको बहुत अच्छा जमने वाला है। साथ ही अगर मैं पांचवें पॉइंट की बात करूं तो इसमें जो फीचर्स दिए गए हैं, जो कॉस्मेटिक चेंजेस दिए गए हैं, वो आपको अच्छा लगेगा। जैसे कि हेडलाइट में इसके आपको DRL मिलता है राउंड शेप वाला, वो बहुत अच्छा लगेगा। तो ये चीज़ें हैं जो आपको बहुत पसंद आने वाली हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं, अगर जिक्र करेंगे तो पूरा का पूरा वीडियो इसी से कंप्लीट हो जाएगा। इसकी और एक बात अच्छी लगेगी आपको, जो कि प्रॉज में ऐड होता है, छठा नंबर बता दूं, इसका सर्विस नेटवर्क। तो अगर आप इस मोटरसाइकिल को खरीदते हैं तो एक बड़ा सा सर्विस नेटवर्क आपको परेशान नहीं होने देगा। तो रॉयल एनफील्ड की ये बात आपको इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा अच्छी लगेगी। लेकिन अब वो चर्चा कर लेते हैं जो आपको इस मोटरसाइकिल में पसंद नहीं आने वाली है। बहुत कम नंबर है उनके, फिर भी जानना जरूरी है। तो अगर सपोज करिए आपके पास कोई बंदा है जो पिलियन के तौर पर बैठ रहा है तो वो एकदम खुश नहीं होगा। तो कॉन्स जो इसका है, जो इसकी चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, उसका पहला पॉइंट है इसका पिलियन सीट सीटिंग कंफर्ट एकदम अच्छा नहीं है और ये आपको लिमिटेड कर देता है। जो बैकरेस्ट दिया गया है तो ये आपको पसंद नहीं आएगा। दूसरे कॉन्स की बात करें तो आपको बता दूं, जो इसका भारीपन है वो महसूस होता है। तो मुझे लगता है कि अब 191 किलो की जो मोटरसाइकिल है, थोड़ा सा वजन अगर 10-15 किलोग्राम कम होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। तीसरी चीज़ जो आपको अच्छी नहीं लगेगी, जब आप 100 से ऊपर पार कर रहे होंगे तो इस मोटरसाइकिल का जो वाइब्रेशन होता है ना, वो आपका कॉन्फिडेंस छीन लेता है। तो वहाँ पर थोड़ी सी चीज़ आपको अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन एक कॉन्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 खरीदने की सोच रहे थे तो अब आपको पता चल गया होगा कि इस मोटरसाइकिल में क्या खास चीज़ें हैं जिसकी वजह से इसे आपको खरीदना चाहिए और क्या वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपको इसे नहीं खरीदना चाहिए। लेकिन डिसाइड आपको करना है इसे खरीदना है या नहीं। उम्मीद करता हूं मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मुझसे कुछ रह गया है तो कोई बात नहीं, मेरे इंस्टाग्राम पर चले जाइए, मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dwivedi। सवाल करिए, सारे जवाब ले जाइए।